हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर्ड माइनस टू एक्स माइनस फिफ्टीन, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हु जीरोज आर टू टाइम्स ऑफ अल्फा एंड टू टाइम्स ऑफ बीटा। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो टू जीरोज़ होंगे। तो क्वेश्चन ने मैंशन किया हुआ है कि वो दो जीरोज़ क्या है, अल्फ़ा और बीटा, और बोला फिर ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके दो जीरोज़ हैं टू अल्फ़ा एंड टू बीटा। कभी भी आपको अल्फ़ा और बीटा वाला क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो, सो आपको एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट करें सीधा ऐसे, सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर द टू ज़ीरोज़, लिखते हैं सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर द टू ज़ीरोज़। जब ये दोनों ज़ीरोज़ हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर क्या होगा, दोनों निकालना है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा भी और अल्फ़ा इंटू बीटा भी। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर क्या होगा, ये होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल। बी क्या होता है, बी होता है कोफिशेंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस की जगह माइनस लिख लें, कोफिशेंट ऑफ एक्स, कोफिशेंट ऑफ एक्स के यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस टू है, तो फिर कोफिशेंट ऑफ एक्स की जगह माइनस टू डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कितना है वन, तो फिर ये हो गया इज इक्वल टू टू। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का आपको आंसर मिल गया। अब आप अल्फा इंटू बीटा का आंसर निकाल लें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये होगा कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल, जिसे आप सी बाई ए से याद रखते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, माइनस फिफ्टीन, तो आप कॉन्स्टेंट टर्म की जगह माइनस फिफ्टीन लिखें, डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है वन, तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस फिफ्टीन। अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हम वो देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके दो जीरोज होंगे टू अल्फा इंटू बीटा। हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो फिर हम एक बार वो फॉर्मूला लिख लें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, के क्यों, के एक नॉन जीरो कांस्टेंट है जो आपको अप्लाई कर देना चाहिए, लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं एक बार आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, तो अगर आप इसके दो जीरोज़ निकालेंगे तो वो दो जीरोज़ आएगा, एक आएगा माइनस टू, एक आएगा माइनस थ्री। ठीक है, वैसे अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसे टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेल्व कर लेते हैं, या थ्री से मल्टीप्लाई करके थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस एटीन कर लेते हैं, फाइव से मल्टीप्लाई करके उसे फाइव एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस थर्टी कर लेते हैं, तो भी वही जीरोज़ आएंगे जो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स का आया था, मतलब माइनस टू और माइनस थ्री। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये है मेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को आप वन से मल्टीप्लाई करें, टू से मल्टीप्लाई करें, थ्री से मल्टीप्लाई करें, किसी से भी मल्टीप्लाई करें, तो भी जीरोज़ वही आएंगे जो इसका जीरोज़ आता है, इसीलिए हम यहाँ पर के अप्लाई कर देते हैं। अगर आप के अप्लाई नहीं करेंगे तो भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छा ये रहता है कि आप के अप्लाई कर दें और फाइनल आंसर में लिख के दिखा दें कि k इज़ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट या फिर k इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं हम आगे। पहले ये फॉर्मूला लिख लेंगे हम। अब k की जगह आप k लिखते रहें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज, एक ज़ीरो क्या है टू अल्फ़ा, एक है टू बीटा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह हम क्या लिखेंगे, टू अल्फ़ा प्लस टू बीटा, एक्स की जगह एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की जगह आ गया टू अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई टू बीटा। ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से हम टू कॉमन ले लेते हैं। टू कॉमन क्यों ले रहे हैं, हम ऊपर देखिए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर है, तो यहाँ से टू कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा जिसका हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमें फोर अल्फ़ा बीटा मिलेगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का आंसर भी है हमारे पास, तो मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो यहाँ से टू कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस फोर टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा। ठीक है, बस अब खाली वैल्यू पुट करना है और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, के एक्स स्क्वायर माइनस टू, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे टू,
प्लस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखेंगे माइनस 15, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। साथ में हम लिख के दिखा देते हैं वेयर के इज अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। ये लिखना ज़रूरी है, इसे आप लिखना भूले नहीं, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा जितना भी क्वेश्चन आए, कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें आपको 2α + 2β का आंसर फाइंड करना है, या आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर फाइंड करना है। कभी कैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जैसा भी हो आपको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का आंसर निकाल लेना है, फिर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है। अगर आपको किसी का वैल्यू फाइंड करने बोला होगा तो उस वैल्यू को आप जितना हो सके वहाँ तक सॉल्व कर लें और उसमें ये दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें तो भी आंसर आ जाएगा। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने बोलता है तो आप फॉर्मूला लिख लें, दोनों जीरोस की जगह उनका वैल्यू पुट कर दें, सॉल्व करें, यहाँ से जो दो आंसर्स मिले तो उन दोनों को यहाँ पर पुट करें, आपको हमेशा आंसर मिल जाएगा, ठीक है? और भी कोई क्वेश्चन है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। वैसे चैप्टर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, और जो क्वेश्चंस बच गए हैं उनका भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप सारे क्वेश्चंस को ऑर्डर वाइज बनाएं और ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? थैंक यू गाइज़।